ये देखिए आप, पूरी सिक्योरिटी की इतनी तगड़ी इंतजाम है ना, मैं बता नहीं सकता। काफी वीर बजरंगी का हर हर महादेव। बाबा बर्फानी। गोवर्धन भाई हमारे सीट की मांडवाली करते हुए और एक भैया को उन्होंने पटा लिया है। हमारे मित्र लोग हैं, काफी खुश हो चुके हैं और ये इनके RFID कार्ड बन चुके हैं। अब आगे चलना है, अभी हमारा जो बेंचमार्क है वो है काजी कुंड, उसको क्रॉस करना है। तो अगर आप RFID कार्ड जम्मू या उधमपुर में नहीं बनवा पाए हैं तो यहाँ चंद्रकोट पर भी जो है सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों नुनवाना बेस कैंप और यहाँ पे हमारे बैग चेक होंगे, तो आइए चलते हैं अंदर बेस कैंप में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राइडर ऑफ काशी। बहुत ही दिनों से मैं एक यात्रा के लिए जो है तैयारी कर रहा था और वो यात्रा आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और ये काफ़ी धार्मिक यात्रा है जो कि हिंदू धर्म में काफ़ी जो है कि इसका प्रचलित है यात्रा करना, और जीवन में एक बार इस यात्रा को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। तो वो यात्रा है दोस्तों अमरनाथ यात्रा। वो दिन आ गया है कि मैं इस यात्रा के लिए जो है अपना सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ। तो अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए चैनल राइडर ऑफ काशी पे बने रहे। तो चलिए आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। महादेव, जय शिव शंकर। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जिसे कहते हैं बाबा बर्फानी। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो जम्मू मेल है और हम लोग जम्मू मेल से जो है उधमपुर तक जाएंगे, और वो सुबह 8 बजे का टाइम है, वो 8 बजे हमें ड्रॉप करेगी और वहाँ पे हम RFID कार्ड बनवाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पुरानी दिल्ली पे हैं। दोस्तों बहुत गर्मी है, मैं बता नहीं सकता। आप ये देखो पूरा पसीने पसीने हो रखे हैं और वहाँ का मौसम तो लाजवाब होगा। तो चलिए अपने ट्रेन की ओर चलते हैं। तो ये दोस्तों हमारी ट्रेन लगी हुई है, आइए चलते हैं, अपनी सीट देखते हैं। हमारा जो है B1 में है। ये दिल्ली से कटरा तक जाती है दोस्तों, इसका नाम जम्मू मेल है। वर्धन भाई हमारे सीट की मांडवाली करते हुए और एक भैया को उन्होंने पटा लिया है कि वो उस सीट पे जाएंगे और ये सीट पे आएंगे, तो काफी अच्छा है। दोस्तों अमरनाथ यात्रा सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में देवी पार्वती को जीवन और अंत काल के रहस्य बताए थे। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ गुफा की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 3,888 मीटर है और अगर फुट में बात करूं तो 12,780 फीट की ऊंचाई है। इसीलिए दोस्तों इस यात्रा में काफी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है क्योंकि यात्रा बहुत कठिन है और दुर्लभ रास्तों में से होकर गुजरती है। अभी हम लोगों ने जम्मू क्रॉस कर दिया था और उधमपुर रेलवे स्टेशन आने वाला था और यहां पर चल के हम अपने RFID कार्ड केंद्र को खोजेंगे और वहां पे अपने हम RFID कार्ड को बनाएंगे। तो ये उधमपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है दोस्तों, आइए चलते हैं और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हमारी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो हो चुकी है, कल हम लोग दिल्ली से चले थे, अभी उधमपुर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है RFID कार्ड बनाने की फैसिलिटी दी गई है। मैं तो दिखाने चाहूंगा, तो RFID कार्ड आप यहाँ बहुत इजीली बना सकते हैं, रश बहुत कम है, ना के बराबर है। हमारे को 2 मिनट में RFID कार्ड बन के मिल गया है। ये यहाँ का सेंटर है, आप यहाँ पर आकर जो है RFID कार्ड को बनवा सकते हैं और भीड़ से बच सकते हैं। अगर जो दिल्ली से आ रहे हैं और अगर उधमपुर तक आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आके बना सकते हैं। अभी तक ये जानकारी कहीं नहीं अवेलेबल थी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूंगा। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हमारे मित्र लोग हैं, काफी खुश हो चुके हैं और ये इनके RFID कार्ड बन चुके हैं और ये कुछ मित्र आए हैं जो कि ये हमारे साथ ही यात्रा करने वाले हैं जय भोले की, और ये हमारे साथ पहलगाम तक चलेंगे। तो आइए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और ये उधमपुर स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसको रीडेवलप किया जा रहा है, पुलिस तैनात है यहाँ पे काफी अच्छे से, और हम बाहर निकलेंगे। आइए हम बाहर चलते हैं और देखते हैं पहलगाम के लिए हमें
कौन सी गाड़ी मिलती है। बाहर निकलकर दोस्तों हमने ऑटो यहां से बुक किया और उधमपुर रेलवे स्टेशन से हम बस स्टैंड की ओर निकले, जिसका कॉस्ट हमें 200 पड़ा और यहां से हमें टैक्सी करना था। तो मैं अभी उधमपुर जो बस स्टॉप है वहां पे खड़ा है और ये गाड़ी है, ये हमने बुक की है और इसके बाद आपको मैं वो दिखा देता हूँ कि श्रीनगर यहाँ से 186 किलोमीटर है और ले जो है 600 किलोमीटर है। वीर बजरंगी का हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों ये है हमारे जसवंत भैया, यही जसवंत सिंह जी हैं, हम आपको जसवंत भैया बुलाएंगे और ये हमें यात्रा कराने के लिए ले जा रहे हैं, के थ्रू हम पहलगाम जा रहे हैं और ये हमारे कलकत्ता से है और सबसे अच्छी बात ये कलकत्ता मेट्रो में है, तो ये हमारे ननिहाल साइड से आए हुए, तो ये भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। उधर वो पीछे बैठा बैठे हैं और वो बीएसएफ के एक जवान बैठे हैं और साथ में हमारे मित्र बैठे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर बात करूं तो दिल्ली से जम्मू की जो दूरी है लगभग 610 किलोमीटर की है और जम्मू से फिर पहलगाम की दूरी जो है वो लगभग 230 किलोमीटर की दूरी है। रास्ते में आपको कई टोल मिलेंगे, उसके अलावा यहां पर आपको जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली एक टनल मिलेगी जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है और ये जो है काफ़ी आधुनिक साधनों से लैस है, काफ़ी अच्छी लाइटनिंग है और टनल वेंटिलेशन फैन भी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ सफोकेशन होने की प्रॉब्लम नहीं है और ये काफ़ी लंबा सुरंग है जो कि लगभग जो है 10 किलोमीटर का बनता है। उसके बाद हम निकल पड़े थे अपनी सुंदर वादियों के लिए और पहलगाम की जो दूरी बैठती है दोस्तों श्रीनगर से वो लगभग बैठ जाती है 90 किलोमीटर की। रास्ते में हमें कई लैंडस्लाइड वाले पहाड़ दिखे, हालांकि हम इन लैंडस्लाइड से बचे हुए निकल रहे थे और रास्ते में दोस्तों कई टनल हमें मिले, जैसे बनिहाल और काजी कुंड के बीच में भी एक टनल था, हालांकि ये थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन था लेकिन काम चालू था और इसमें से हम निकल पड़े थे। थोड़ी व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं थी लेकिन काफ़ी स्मूथली ट्रैफिक जो है रन कर रहा था। फिर हम बाहर निकलकर जो है कि खुली सांस ले रहे थे, अच्छी हवा मिल रही थी और हम चंद्रकोट के लगभग 15 किलोमीटर पहले पहुँच चुके थे। इस समय हम लोग चंद्रकोट में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है मदन गिरी खादर दिल्ली वाला जो है वहाँ का एक लंगर लगा हुआ है, आइए अंदर चलते हैं। तो आज का ये पहला लंगर हमने लिया है और दिल्ली वालों के द्वारा ये लंगर लगाया गया था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आप भी जब आए तो यहाँ पे आकर जो है रुके और 15 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री करा सकते हैं। तो ये हमने लिया हुआ है, ये भारत के कोने कोने से लोग मिले हैं और जो कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा को जा रहे हैं। अभी हम चंद्रकोट पर रुके थे और यहाँ से जो है हमने लंगर करने के बाद जो जा रहे हैं, तो हर 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 हर। तो अगर आप RFID कार्ड जम्मू या उधमपुर में नहीं बनवा पाए हैं तो यहाँ चंद्रकोट पर भी जो है सुविधा उपलब्ध है। मथुरा वृंदावन भरतपुर जिला राजस्थान से है और यहाँ 15 साल से लगभग भंडारा चलता है। 40 लोगों की हमारी टीम यहाँ खाली सेवा देने के लिए आई हुई है, सेवा देगी, निस्वार्थ भाव से सेवा देगी। चंद्रकोट में रुके थे, यहाँ पे हमने भंडारा लिया और थोड़ा थोड़ा लिया है और अब आगे चलना है। अभी हमारा जो बेंचमार्क है वो है काजी कुंड, उसको क्रॉस करना है, तब हमारे जसवंत भाई जो हैं पूरा रोल प्ले कर रहे हैं और हमें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं जय भोले की। तो दोस्तों लंगर लेने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने पड़ाव के लिए जो कि था काजीकुंड। काजीकुंड क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 12:30 बजे से पहले अगर आपने क्रॉस कर लिया तो फिर आपको आर्मी वाले आगे जाने देते हैं, अदरवाइज़ वहीं पे आपको नाइट हॉल्ट करना पड़ता है और अगले दिन के लिए आपको यात्रा शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम लोग निकल पड़े थे, रास्ते में हमें कई नज़ारे देखने को मिले और पहले जत्थे का हमें जो कॉन्वे वाला बस रूट था वो भी दिखा। कई कॉन्वे की गाड़ियाँ मिलिट्री के संरक्षण में जो जा रही थी, जो बालटाल और पहलगाम से आ रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है अब बनिहाल पहुँचने वाले थे।
दोस्तों, उधमपुर के बाद जो है बनिहाल का मार्केट काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक जाम रहता है। और यहाँ से निकलने के बाद जो श्रीनगर की दूरी है वो लगभग 94 किलोमीटर रह जाती है और पहलगाम की दूरी जो है वो लगभग 83 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से हम निकल पड़े थे अपने अगली पड़ाव के लिए जो कि था काजीकुंड। और बनिहाल और काजीकुंड में जो अभी टनल बनाया ना दोस्तों, वो काफ़ी फेमस हो चुका है अपने नए आधुनिक सामानों से, साधनों से लैस है। चाहे फायर सिस्टम हो, चाहे टनल वेंटिलेशन फैन हो, यहाँ पे दो अलग अलग व्यू बनाया गया है। तो ये है दोस्तों बनिहाल और काजीकुंड का टनल, जो काफ़ी अच्छा बना है और जो इसमें हवा है वो काफ़ी ठंडी रहती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्क रहना है कि आपका ड्राइवर सो ना जाए, क्योंकि एक ही स्पीड से यहाँ पे चलना है और स्पीड लिमिट जो है यहाँ 50 की है। और फिर बाहर निकलकर जो है हम अनंतनाग की ओर निकल पड़े थे और यहाँ से जो है आप या तो फिर कश्मीर जा सकते हैं और या फिर जो है आप अनंतनाग के लिए जा सकते हैं। रास्ते में काफ़ी चेकिंग हो रही थी और चेकिंग ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि ये इतनी धार्मिक और महत्वपूर्ण यात्रा हो रही थी। और हम निकलने वाले थे अपने अगले डेस्टिनेशन जो कि था पहलगाम, और उसके लिए जो है हमें दाएं मुड़ना था, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ दोस्तों। श्रीनगर से मैंने पहलगाम की यात्रा की थी जो कि अनंतनाग के द्वारा था। तो यहीं से वो कट है दोस्तों जो कि अनंतनाग को जोड़ता है पहलगाम से, और हम अनंतनाग के शहर से होते हुए निकलेंगे। तो आइए अपनी यात्रा को आगे जारी रखते हैं। और ये फेमस मस्जिद है यहाँ की दोस्तों, जो कि लोग यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों ऐशमुकम दरगाह भी यहीं पर है अनंतनाग में, जहाँ पर बजरंगी भाई जान की मूवी वाली वो गाना शूट हुआ था, भर दे जोली मेरी जहाँ मोहम्मद, तो वो यहीं पे शूट हुआ था गाना दोस्तों। और अब हम लोग जो है दोस्तों पहलगाम में एंट्री कर चुके हैं, हमारा दिल बागबाग हो चुका था। दोस्तों हम लोग पहलगाम में एंटर कर चुके हैं और पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, क्योंकि हम लोग 23 में जो है अभी कश्मीर घूम के गए थे, पिछले साल ही गए थे, तो बहुत इंजॉय किया था। अब वो होटल और वो रास्ते सारे याद आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं उस पार्किंग एरिया में जाना जहां मैं पहले भी जा चुका हूं। तो पहलगाम के हम लोग नुनवाना बेस कैंप के पास पहुंच चुके हैं और यहां पे जो है यात्री गण का जो है चेकिंग होता है और आगे हम लोग चलेंगे। और वो हमारे मित्र लोग ने इशारा कर दिया है कि आगे आइए। है दोस्तों नुनवाना बेस कैंप और यहाँ पे हमारे बैग चेक होंगे। काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे बैग की चेकिंग हो गई, स्कैनिंग हो गई, और इसके बाद जो है अब हम अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं। और अभी गाड़ी उधर से आएगी और फिर हम आगे निकलेंगे। और ये आगे जाके वो पार्किंग है। तो दोस्तों पिछली बार जो कश्मीर यात्रा आया था वो मैं यहाँ पे पहलगाम पे आया था। घोड़ा होता है जो कि मिनी स्विट्जरलैंड ले जाया जाता है, पर आप मत जाना। और इधर आपकी गाड़ी पार्किंग होगी और आप यहाँ से आगे जाएंगे। तो दोस्तों इस समय मैं पहलगाम में हूँ और मेरे पीछे आप ये देखो, ये पहलगाम का पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे हम लोग ने जो है चेकिंग करा लिया है। अभी जो है हम वेट कर रहे हैं कि हमें कोई होटल मिल जाए, क्योंकि कैंप में काफ़ी रश है, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और सुबह हमें जाना है। और देखते हैं। तो गोवर्धन अभी सिम ले रहा है दोस्तों, और ये देखिए SBI, जहाँ चाहेंगे वहाँ पाएंगे, ऐसा मेरे मित्र ने कहा, क्योंकि वो खुद SBI बैंक में ही है। तो ये है, यहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ दोस्तों। और ये देखें यहाँ के होटल्स हैं। तो ये दोस्तों होटल जाने का रास्ता है, ये देखें। और मिडोज व्यू रिजॉर्ट नुनवाना पहलगाम ये होटल है, और ये थोड़ा सा ऊपर में है बेस कैंप के। तो ये रूम है दोस्तों, और ये वॉशरूम है।
गीजर भी लगा हुआ है, गर्म पानी आ जाएगा। और मैं आपको इधर से व्यू दिखाता हूँ। ये देखें मक्के के खेत हैं। तो बेसिकली इस यात्रा में जो है कि ऐसा मिल जाए तो बड़ी बात है, और मात्र हमने इसे 1300 में बुक किया है। दोस्तों शाम हो रही थी, सनसेट हो रहा था, और लीदर नदी के किनारे जाके बैठने का जो इन्जॉयमेंट, जो मतलब मज़ा है, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। और यहाँ पे नदी का शोर काफ़ी हमें जो है कि अच्छा लग रहा था। और यहाँ से फिर हम जाने वाले थे नुनवाना कैंप के लिए। दोस्तों इस समय मैं लीदर नदी के किनारे बैठा हूँ, और नुनवा बेस कैंप जो है वो पीछे की ओर है। तो आप ये लीदर नदी का ये देख सकते हो कितनी तेज धार बह रही है, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आ रहा है। और पहले भी आ चुके हैं तो अपनापन लगता है, और वो मोदी जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है अपना पुराना नाता है, तो वैसे ही राइडर ऑफ काशी का पुराना नाता है। हालांकि ये नाता जो है 1 साल पुराना है। वो हमारे मित्र लोग हैं, हेलो बोलिए, बम बम बोले, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों ये हमारे महाराष्ट्र से कुछ मित्र आए थे और हमें मिले, और ये सारे अलग अलग कोने कोने से देश के आ रहे, और अब यहाँ पे आके भोले गण बन गए। तो हर हर महादेव। ये देखिए आप, पूरी सिक्योरिटी की इतनी तगड़ी इंतजाम है ना, मैं बता नहीं सकता। काफी यहाँ पे बंकर बंद जो गाड़ियां हैं वो देखिए, और हम लोग अभी चल रहे हैं अंदर, और काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आइए चलते हैं अंदर बेस कैंप में। तो दोस्तों सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग ये नुवा बेस कैंप में आ चुके हैं, और ये एक तरह से छोटा सा शहर बना दिया गया है। अंदर लंगर है, रहने की जगह है, सारी व्यवस्था अंदर की गई है। आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों इस बेस कैंप में पूरा एकदम मार्केट बना के रखा गया है, आपको हर चीज यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपका कोई सामान छूट गया, चाहे गर्म कपड़ा हो, बैग हो, मोजे हैं, जूते हैं, कैप है, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। इवन आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं और गर्म कपड़े भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात रेनकोट भी यहाँ पे काफी रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। अभी हम लोग इस समय यहाँ पहलगाम में है, पहलगाम से फिर चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से शिशु टॉप, फिर जो भी बाल नागकोटी शेषनाग वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद वामबाल होते हुए, डरकोट होते हुए पंत तरणी में रुकेंगे, और फिर उसके बाद बाबा के दर्शन करके, और फिर ये बालटाल रूट से हम वापस आएंगे। तो अगर आपको पोनी राइड करना है, और अगर आप पैदल चल नहीं पा रहे हैं, हालांकि आपको अपने पैरों से जाना चाहिए बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन किसी कारण, स्वास्थ्य कारण से आप नहीं जा पा रहे, तो यहां पे रेट लिस्ट दी गई है। जैसे चंदनवाड़ी से शिशु टॉप 1200 रुपये में जा सकते हैं, और उसके बाद जोजी पल जो है 1850 में, ऐसे काफ़ी रेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप ये जो है रेट को जो है देख सकते हैं, और इससे अगर ज़्यादा कोई मांगे तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों बाबा बर्फानी के हमने एक लंगर में दर्शन किए, और लंगर में जो माहौल था वो काफ़ी भक्तिमय बन चुका था। लोग यहाँ पर जो है एक दूसरे से अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे कि किस प्रकार से वो यहाँ तक पहुँचे। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शुभ समय पे पहुँचे, और यहाँ पर जो है सायन आरती चल रही है। जय गणेश। फिर पास के ही लंगर जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पे लगाया था, और यहाँ पे काफी सादा भोजन जो है उनके द्वारा प्यार से परोसा जा रहा था, तो सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पे भोजन करें। हमने जो है गुजराती थाली ली है, और इसमें खिचड़ी, पापड़ और सब्जी मिक्स है, और ये यहाँ पे है, काफ़ी कुछ अच्छा है। तो ये अहमदाबाद से आया है इनका लंगर। और लंगर चखने के बाद दोस्तों हम सभी मित्रों ने ये डिसाइड किया कि अब अपने रूम पर चलते हैं, और वहाँ चलकर थोड़ा विश्राम करते हैं, ताकि कल सुबह जो है फ्रेश मूड से हम लोग चंदनवाड़ी से शेषनाग की यात्रा अपनी शुरुआत करेंगे। तब अजय जी, अब तक की यात्रा का कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा, भोलेनाथ की कृपा से हम लोग का सारा काम आसान होता रहेगा। सारे काम एक से अच्छे होते रहे, RFID कार्ड का हो,
चाहे हमें कैब मिलने का हो, चाहे यहाँ आके हमें स्टे का हो, सारी चीजें एक से बढ़कर एक हुई है भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है आगे भी ऐसा ही दोस्तों। अभी हम लोग जो है जो नुनवाना बेस कैंप है उससे थोड़ा से ऊपर आए हुए हैं, मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी वहां पे जो है एक तारिक भैया मिले। उन्होंने एक होटल के बारे में बताया क्योंकि नीचे तो सारे होटल पैक थे तो वहां पे तो मिलना बहुत मुश्किल था, और उन्होंने हमें संपर्क किया था। हालांकि रेट थोड़ा ज्यादा बता रहे थे लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद जो है काफी अच्छी लोकेशन पे जो है ऑफ बीट लोकेशन इसे कह सकते हैं वहां पे हमें होटल मिल चुका है, और यहाँ पे गर्म पानी वाईफाई सारी सुविधा है, और सबसे अच्छी बात जो है लंगर जो है वो यहाँ से 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हमारा वार्म अप भी होता रहेगा और खाना पीना भी होता रहेगा। तो चलिए दिल्ली से पहलगाम नुनवाना बेस कैंप तक का ये ब्लॉग मैं आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी, और दोस्तों कल सुबह हम लोग निकलेंगे चंदनवाड़ी और वहां से शेषनाग जी की यात्रा करेंगे, उस स्टॉप पे जाएंगे, वो हमारा पहला पड़ाव रहेगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सबक है नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो है चंदनवाड़ी से अपनी पहली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, और ये है अजय जी हमारे मित्र हैं, और वो गोवर्धन वो भी मेरा मित्र है पर मेरा छोटा वाला मित्र है, अभी बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। और हम लोग जो है अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, आज का हमारा जो है शेषनाग, हम लोग शेषनाग पे आज स्टॉप करेंगे। और ये रास्ता है शेषनाग बेस कैंप जाने। पढ़ाई हमने पूरी कर ली चंद्रताल चंदनवाड़ी से, हम आ गए शेषनाग पे।